अजमेर आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी के पदाधिकारियों पर अजमेर में 8 मुकदमे दर्ज हुए हैं। यह मुकदमे अपर मुख्यालय न्यायाधीश मजिस्ट्रेट संख्या नंबर 1 योगिता पारिक ने पीड़ित लोगों द्वारा शिकायत पर कोतवाली थाने में दर्ज करने के आदेश दिए हैं। दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सभी आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी निवेशक साथियों का हमारे स्टेट न्यूज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए जो लेटेस्ट न्यूज लेकर आए हैं दोस्तों, वह न्यूज आपके लिए बहुत लेटेस्ट बनने वाली है, तो दोस्तों बने रहे हमारे चैनल पर। चलिए दोस्तों, आगे की न्यूज क्या है बताते हैं। अरविंद मीणा ने बताया कि रेलवे में सेवानिवृत्ति कर्मचारियों ने अपनी मेहनत की रकम सेवानिवृत्ति के बाद गुजर बसर करने के लिए आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में जमा कराई थी। 8 परिवादियों ने लगभग 27 लाख रुपए सोसाइटी में जमा कराए थे, जिन्हें लेने के लिए परिवादी पहुंचे तो दफ्तर ही नहीं मिला। इस पर उन्होंने धोखाधड़ी की शिकायत देते हुए न्यायालय से राहत की मांग की है। प्रकरण के अनुसार पीड़ित सुरेश वर्मा के 2.5 लाख रुपये, धर्मेंद्र वर्मा के 2.5 लाख, राखी सिंह के 3,20,000, पुष्पा भाटी के 3,50,000, मदन भाटी के 4,20,000, जितेंद्र टेकचंदानी के 1,20,000, श्रवण कुमार शर्मा के 5 लाख, देवकी नंदन के 5 लाख रुपया एफडी कराई थी। पीड़ितों के अनुसार क्रेडिट सोसाइटी ने उनके पैसे सुरक्षित करने का जिम्मा लिया था, इसके बावजूद भी वह अपना ऑफिस बंद कर फरार हो गए। ऐसे में सभी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। जी हाँ दोस्तों, जो निवेशक इस वक्त उसमें फंसे हुए हैं उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। सभी ने न्यायालय से राहत मांगी है। आपको बता दें कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव अब तक 47 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं, जिसमें करोड़ों रुपया लोगों के कंपनी में जमा किए गए थे। दोस्तों, ये बड़ी न्यूज आपको स्टेट न्यूज चैनल से दी जा रही है। पल पल की खबर पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर रखें। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।